ये थे जी अमजद साहब और ये थी इनकी स्टोरी। हमने भी यहाँ पे अपना नोट साइन करके रख दिया है और ये यहीं पे होता है। यहाँ पे क्या होता है वो तो आपको आगे वीडियो में पता लग ही जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हुंजा को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हुंजा का लोकल फूड, हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, अताबाद लेक, पशु पोन्स, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा अगर आपने फर्स्ट टाइम जाना है तो आप कम टाइम में किस तरह हुंजा एक्सप्लोर कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, क्योंकि हुंजा की रोड्स इतनी स्मूथ है कि आप इसको अपनी किसी भी गाड़ी या मोटरसाइकिल पर ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा जी, आज है डे टू और टाइम और अभी तकरीबन 7:30 और यहाँ पे रात आ गए थे। आज का जो हमारा अभी जो प्लान है, हम जा रहे हैं करीमाबाद। यहाँ पे जो हमें रूम मिला था होटल सरीन में मिला था 2000 रुपए का। नाश्ता भी हमने यहाँ पे नहीं किया, तो वो मैं आपको फिर करीमाबाद जाके बता दूंगा नाश्ता हमने क्यों नहीं किया। अलियाबाद और करीमाबाद दोनों एक साथ साथ ही हैं, और जब अलियाबाद से थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो करीमाबाद शुरू हो जाता है। और हम अलियाबाद में इसलिए रुके थे कि अलियाबाद में जो होटल्स का रूम का रेंट है वो थोड़ा सा मुनासिब है करीमाबाद की नस्बत। करीमाबाद जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और जो बाल्टिक फोर्ट है या जो मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ये जो मेन हुंजा है, वो भी करीमाबाद को गिना जाता है। हम लोग करीमाबाद इसलिए जा रहे थे क्योंकि करीमाबाद से बाल्टिक फोर्ट के लिए जो रास्ता जाता है उस पर एक मशहूर रेस्टोरेंट और एक कैफे है। रेस्टोरेंट जो उसका नाम है वुमन डेवलपमेंट रेस्टोरेंट। हमने सोचा था कि हम वहाँ पे नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि हमने ममतू नाम की एक फूड होता है वो खाना था, वो पता लगा था कि सुबह नाश्ते में लोग खाते हैं। और वहीं पे उसी रेस्टोरेंट से थोड़ा सा आगे एक कैफे है जहाँ पे हुंजा का मशहूर वॉलनट केक मिलता है। तो हमने सोचा था कि हम ये दोनों चीज़ें जो है ट्राई करके तो आगे चले जाएंगे, पर हमसे गलती ये हो गई कि हम बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच गए थे और वो दोनों चीज़ें जो दोनों रेस्टोरेंट और कैफे दोनों बंद थे। और बाल्टिक फोर्ट हम इसलिए नहीं गए क्योंकि मैं ऑलरेडी उसी वीडियो पिछले साल डाल चुका था। तो फिर हमने सोचा कि हम आगे अताबाद लेक की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुक के तो फायदा नहीं है। तो अब सफर शुरू करते हैं अताबाद लेक के लिए, और मैं आपको मिलता हूँ अताबाद लेक जाके। यहाँ पे नाश्ता ब्रेक लिया था। अताबाग लेक का काफी अच्छा सिस्टम हो गया, यहाँ पे काफी सारे होटल और रेस्टोरेंट बन गए। हम भी जिस होटल में रुके हैं बहुत अच्छा छोटा सा होटल है। अब यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं पशु की तरफ। और बोटिंग वगैरह भी यहाँ पे टूरिस्ट भी है, और जो बोटिंग वगैरह यहाँ पे जेट्स की भी है और दूसरी बोट भी है। और पार्किंग यहाँ पे बनी हुई, पार्किंग भी काफी खुली है, 100 रुपया पार्किंग का वो आपसे लेते हैं। पार्किंग में आपने गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सा वॉक है, 5-4 मिनट की वॉक है आसानी से। और एक साइड पे आपके बोट्स खड़ी हुई है और दूसरी साइड पे आपके जेट्स की खड़ी हुई है, और दोनों का जो रेंट है वो अलग अलग है। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट शॉप्स इस तरह की काफी सारी चीजें अब यहाँ पे बन गई है। बाकी हम नाश्ता करते हैं, आप तब तक ये ड्रोन शॉट देख लें। अताबाद लेक के बाद मोस्टली टूरिस्ट जो है वो पशु पोन्स की तरफ जाते हैं, मगर पशु पोन्स से पहले भी एक कमाल की जगह जिसका हमें भी नहीं पता था। हमने हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज का हमेशा नाम ही सुना था, हम सोचते थे कि वो हुसैनाबाद में कहीं होगा, पर नहीं, वो हुसैनाबाद से आगे, करीमाबाद से आगे, अताबाद से भी आगे है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज पे, और ये भी कमाल की जगह। और अगर आप इस दफा हुंजा आ रहे हैं तो इसको भी अपनी लिस्ट में लाजमी ऐड करें। अच्छा जी, पशु पोन्स से पहले ये हुसैनी नाम की जगह आती है, यहाँ पे हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज है, ये इसकी पार्किंग बनी है। यहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी करनी है, यहाँ पे आपको पार्किंग की टिकट मिलेगी। ये रास्ता जो है यहाँ से जाता है हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज को, देखते किस तरह की हाइक है क्या, और फिर मैं आपको सस्पेंशन ब्रिज भी दिखाता हूँ। ये इस तरह का रास्ता है जी, जाते हुए तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और वापसी पे तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि वापसी पे जरा चढ़ना है। यहाँ से आपको टिकट मिलेगी और पर पर्सन 100 रुपीज़ है। आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए व्हील चेयर भी है।
है जी उस सस्पेंशन ब्रिज, मैं ज्यादा आगे नहीं गया, मुझे डर लग रहा है और ये हिल भी रहे। और यहाँ पे इस तरह के जो बच्चे हैं उनको ये यहाँ तक आने देते हैं जहाँ पे पानी नहीं शुरू होता, 5-6 स्टेप तक आने देते हैं, आगे फिर नहीं आने देते बच्चों को। और ये लोग वहाँ तक जाते हैं, पर ये अभी हिल रहा है तो मैं ज्यादा आगे तक नहीं गया और यहीं पे मैं रुक गया। बाकी अब यहाँ से चलते हैं ऊपर और फिर मैं आपको आगे का प्रोग्राम बताता हूँ। अभी हम गाड़ी के पास जा रहे थे तो ऊपर ही एक कैफे आता है, सुबह हम करीमाबाद जिस काम के लिए गए थे वो यही था। अभी यहाँ पे हमने चाप शुरू चेक करना था और यहाँ पे ममतू भी मिल गए हैं। यहाँ से बस ये खा के ऊपर फिर एक साहब है तो उनकी भी कुछ स्टोरी है। था ये मेरे पीछे यादगार कॉफी शॉप है तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किस तरह है। ये अमजद साहब है जिनका मैंने आपको बताया था। जी अमजद साहब आप बताएं। सर ये मेरे कस्टमर की यादें हैं जी। इतफाकन 2017 में उस रोक से शुरू हुआ था, चाय का कप बना के दरख्त था, ऑस्ट्रेलिया की खातून थी, इससे स्टार्ट होते हुए दिसवाणी यस्टरडे ये कल का है। ये मेरे पास हमेशा के लिए प्रिजर्व हो रहा है, जब भी वो कस्टमर आएंगे यहाँ पे मस्ट बी अवेलेबल हियर, क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराया गया है एज ए म्यूजियम के नाम पे। यह सर्टिफिकेट जो मुझे दिया हुआ है जी, बहुत शुक्रिया। ये था जी अमजद साहब और ये थी इनकी स्टोरी। हमने भी यहाँ पे अपना नोट साइन करके रख दिया है और ये यहीं पे होता है। अब यहाँ से हम जाएंगे आगे पशु और यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर ये पशु, तो मैं सीधा आपको पशु जाके मिलता हूँ। और अगर आप भी यहाँ पे आए तो इनके पास लाजमी अपना नोट साइन करवा के जाएगा कि आप जब भी वापस आएंगे आपका नोट जहाँ आप लगाएंगे आपको वहीं लगा मिलेगा। बाकी मैं आपको मिलता हूँ पशु जाके। और ये है जी पशु कौन उनसा में अगर अताबाद लेके बाद कोई सबसे मशहूर जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको टूरिस्ट मिलेंगे तो वो है ये पशु कोंज। इनको पशु कोंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये पशु रेंज के जो पहाड़ है इनकी जो शेप है वो कोन की तरह है, जिस तरह कोन होती है उस तरह की शेप है, इस वजह से इनको पशु कोंज कहा जाता है। और पशु कोंज आपको तकरीबन गिलमेज से नजर आने लग पड़ती है, इतने ऊपर ऊंचे पहाड़ है ये जी पशु कोंज। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30 और मैं अब जा रहा हूँ सोस्त, तो फिर आपको सोस्त जाके अब बताते हैं कि हमारे अगला क्या प्रोग्राम है और सोस्त में किस तरह। अभी यहाँ से रास्ता शुरू करते हैं सोस्त का। पशु से सोस का डिस्टेंस तकरीबन 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर में हर 5 मिनट के बाद सीनरी बिल्कुल बदल जाती थी, जगह जगह दिल कर रहा था कि यहाँ भी रुक के फोटोज ले ले, यहाँ भी रुक के फोटोज ले ले। और रास्ता जो है ये तकरीबन जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि करीमाबाद के बाद खुंजराब तक जो है एकदम एसफाल्ट रोड है। और अगर आपने भी खुंजराब पास की तरफ जाना तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप भी सोस्त में स्टे करें, क्योंकि सोस्त में जो होटल है वो काफी मुनासिब है पीछे गुलमेत वगैरह की निस्बत। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सोस्त आ गए, टाइम हो रहा है 1:49 और रूम यहाँ पे ले लिया। रूम वूम का मैं सारा इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बाकी ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो आपको ये आ रही होगी, आप ये वीडियो देख लें।